इन केसेस में सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है सीनियर सिटीजन्स के लिए, और अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर देना। इसी तरह के वीडियोस के लिए फिनोटेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 की। तो सबसे पहले तो सीनियर सिटीज़न होते कौन हैं ये जान लीजिए। जिस भी व्यक्ति की उम्र एज 60 साल या इससे ज़्यादा है वो सीनियर सिटीज़न है। आप अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो अभी निकला है उसमें भी 60 साल के हो गए हो, अगर आप 31 मार्च 2023 को भी 60 साल के हो गए हो तो भी आप सीनियर सिटीज़न की ITR भरोगे। अगर आपकी ग्रोस इनकम 3 लाख या इससे कम है तो आपको ITR भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ग्रोस इनकम आपकी 3 लाख से ज़्यादा होती है तो ही ITR सीनियर सिटीजन्स को भरना पड़ता है। अच्छा, ग्रोस इनकम में क्या क्या आता है? इसमें आपकी पेंशन हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, या कोई रेंट इनकम हो सकती है, या किसी भी तरह की इनकम। ये सब मिला के अगर 3 लाख से कम है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको ITR भरने की। एक बार सीनियर सिटीजन्स के लिए जो टैक्स स्लैब हैं उनको भी देख लेते हैं। आपकी इनकम 3 लाख तक है तब तो आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है। 3 लाख से 5 लाख तक है तो 5% टैक्स लगता है। 5 लाख से 10 लाख पे 20% टैक्स लगता है, और 10 लाख से ज़्यादा पे 30% टैक्स लगता है। ये हमारे ओल्ड रिजिम के टैक्सेस हैं। पर 5 लाख तक की अगर आपकी टोटल इनकम बनती है तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। वहाँ सरकार आपको एक रिबेट दे देती है सेक्शन 87(a) में। तो ये मान के चलिए कि 5 लाख तक की इनकम पर सीनियर सिटीजन्स कोई टैक्स नहीं देने वाले हैं। इतनी जानकारी तो मैं समझता हूँ आपको होगी, लेकिन अब हम थोड़ा आगे समझते हैं। अगर आपका कोई TDS नहीं कटा है, 26AS में कुछ TDS नहीं नज़र आ रहा है तो भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका TDS उसमें कटा हुआ है, हो सकता है आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए हो लेकिन FD वगैरह पे आपका TDS कट गया हो, तो उसका रिफंड लेने के लिए आपको ITR भरना चाहिए। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बेची ना हो तो भी आपको ITR भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची है तो आपको उस पर कैपिटल गेन मिला होगा, तो उस कैपिटल गेन को शो करने के लिए आपको ITR भरना पड़ेगा। अगर आपने कोई ज़्यादा अमाउंट का कैश अपने सेविंग बैंक अकाउंट में जमा ना किया हो तो भी आपको ITR भरने की ज़रूरत नहीं है। कई बार लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी बेच के कुछ जो पैसे आते हैं उसको सेविंग बैंक में अपने जमा कर देते हैं, तो ज़्यादा कैश अगर आप अमाउंट में जमा करेंगे तो आपको ITR भरने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका पैन नंबर कहीं पे यूज़ ना किया हो किसी ने या आपके बच्चों ने तो भी आपको ITR भरने की ज़रूरत नहीं है। कई केसेस ऐसे होते हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स के नाम से पेरेंट्स के पैन कार्ड के ऊपर अपना ID बना लेते हैं, और मान लीजिए कभी केसेस होते हैं कि वो जीत जाते हैं बड़े बड़े अमाउंट्स में, पेरेंट्स को इसके बारे में पता भी नहीं होता और वो ITR भरते भी नहीं हैं। तो कई केसेस होते हैं जिनमें इनकम टैक्स से नोटिस आ जाता है कि भाई इतने बड़े लाखों में करोड़ों में आपने इनकम हुई है और आप ITR भर ही नहीं रहे हैं। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका पैन कार्ड किसी ने यूज ना किया हो, आपके बच्चों ने भी नहीं। अगर ऐसा कोई केस होता है तो आपको ITR भरना चाहिए। अच्छा, जो फॉरेन में लोग जॉब करते हैं वो अपने पेरेंट्स के अकाउंट में पैसे जमा करा देते हैं, काफ़ी बड़े अमाउंट भी हो सकते हैं वो, तो ऐसे केस में आपको ITR भरना चाहिए। जिनके अकाउंट में पैसे आए हैं उनको इस केस में ITR भरना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वो आपकी इनकम माना जाता है। अगर आपका कोई एसेट भारत के बाहर नहीं है, आउटसाइड इंडिया नहीं है, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। एसेट मतलब सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपको बाहर से कोई भी इनकम नहीं हो रही है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना है। अगर आपके पास बाहर से इनकम आ रही है तो फिर आपको ITR भरना चाहिए। शेयर मार्केट से, बिजनेस से या हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपको कोई लॉस नहीं हुआ है तो भी आपको ITR भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ से कोई लॉस हुआ है तो आपको उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ITR ज़रूर से भरना चाहिए। ये हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा कि अगर आपकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है या उससे ऊपर है तो एक इनकम टैक्स का एक सेक्शन है 194P। इस सेक्शन के अनुसार आपको ITR भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं? आपकी इनकम सिर्फ पेंशन या फिर इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए,
इसके अलावा कोई और इनकम नहीं होनी चाहिए और सिर्फ़ एक ही बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। मतलब मेरा एक ही बैंक अकाउंट है, चाहे किसी भी बैंक में है, उसी में मेरी पेंशन आ रही है, उसी में मेरा इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, सब एक ही बैंक से हो रहा है। तो इसके लिए एक फॉर्म होता है फॉर्म 12BBA, जिसमें आप पेंशन, इंटरेस्ट, ATC, ATD सब दिखा के, सब भर के आप अपने बैंक में जमा करवा देंगे, तो फिर बैंक टैक्स अपने आप कैलकुलेट करेगा। उसके बाद अगर 26AS में भी कुछ भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास 12BBA का एक्नॉलेजमेंट है, तो ITR भरने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये वो सिचुएशंस हैं जिनमें सीनियर सिटीजन्स को ITR भरने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, मुझे आशा है इस वीडियो में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सिखाया होगा, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा।